ये तो अध्यादेश जो है ना ये तो जिनने जो पास करना है ना ये तो उसको पास करते ही हैं इससे जनता का क्या या किसान का क्या भला होगा इससे इनका कोई मतलब नहीं है तो ये तो गवर्नमेंट अपने मनवाजी का करेगी जी इनको तो अपनी मनवाजी करनी है मैं बताऊँ ये जनता का हित नहीं है इसमें मनवाजी करनी है इनको जो भी रेट निश्चित करेंगे चीज़ का वो आदमी को खानी पड़ेगी चाहे किसी भी रेट में खरीद आप हमसे कर घरों में रहो आप अपने काम करे जा रहे हो क्या मतलब भाई भाई जनता से पूछोगे नहीं जब उनके लिए बिल लेके आ रहे हो आप फिर आप कैसे हम कैसे विश्वास कर लें कि आप भला कर रहे हो चोरी चुपके क्यों कर रहे हो खुलकर करो ना मोदी की सरकार आई है तब इसने नया अध्यादेश ला दिया अब कुछ दिन में ये भी अपना पापड़ बेल के चली जाएगी इसका भी समय नज़दीक आ जाएगा जब किसान परेशान होगा ये किसान की सांसें काटने वाला बिल है ये सब ये जुमलाबाजी बताएंगे ये किसान विरोधी सरकार है ये व्यापारी इनकी सरकार है अब से पहले पाँच साल पहले देख लीजिए पाँच सौ रुपया बिजली का बिल जाता था किसान का आज अठारह सौ रुपये सत्रह सौ रुपया बिजली का बिल जा रहा है अब किसान समझ चुका है समझदार है ऐसा नहीं है कि इनकी जो हमेशा ही चलती रहेगी जब किसान ने चाहा जब सरकार बदल दी है केंद्र सरकार है किसान लगातार अध्यादेश लाई थी कृषि में सुधार के लिए लेकिन किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे लेकिन किसानों की बिना आवाज़ सुने आखिरकार केंद्र सरकार ने दो अध्यादेश पारित कर दिए जिसमें किसानों की आय हर किसानों को जो कहीं भी बेच सकते थे उस पर यह कह दिया है कि किसी के पास भी कोई पैन कार्ड है वो खरीद सकता है अब इससे आपको नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में इससे कालाबाजारी भरेगी देखो जी ये तो अध्यादेश जो है ना ये तो जिनने जो पास करना है ना ये तो उसको पास करते ही हैं इससे जनता का क्या या किसान का क्या भला होगा इससे इनका कोई मतलब नहीं है तो ये तो गवर्नमेंट अपने मनमाजी का करेगी जी इनको तो अपनी मनमाजी करनी है मैं बताऊं ये जनता का हित नहीं है इसमें मनमाजी करनी है इनको जो भी रेट निश्चित करेंगे चीज़ का वो आदमी को खानी पड़ेगी चाहे किसी भी रेट में खरीदो जी इसका आम जनता तो कोई फायदा नहीं है पक्ष में है ही नहीं किसानों के किसानों के बिल्कुल अगर फायदा होता तो किसान रोड पर क्यों आता किसान जो रोड पर पिट रहा है किसके लिए पिट रहा है अपने अधिकार के लिए भाई तुम किसानों से बात क्यों नहीं करते अगर तुम ऐसी जो बोलते हो भाई एम का नहीं होगा कुछ नहीं होगा फिर आपने बोला था पंद्रह लाख देंगे किसी खाते में आया किसान को मिला आम जनता को मिला किसका मिला फिर बाद में अमित शाह जी कहते हैं जो वो तो जुमला था तो अब हम कैसे कह देंगे हम तो कह रहे हैं आप एम एस पे आप लिख के दो ना लिख के दो आप कानून बनाओ अगर भाई एम से रेट पे नीचे नहीं कुछ नहीं कहेगा अगर कुछ होगा तो इसका हम जो कानूनी कार्रवाई करेंगे हम इसको सजा देंगे अगर कोई आदमी इस तरीके से करेगा तो कालाबाजी जो बढ़ेगी ऐसा जो भी सरकार आई है चोर चोर मौसेरे भाई कांग्रेस भी ऐसी थी बीजेपी भी ऐसी है कांग्रेस कभी का बीजेपी प्याज पर गिर गई तो कांग्रेस दाल पर गिर गई जमाखोरों की जमाखोरी की वजह से तो गिरी कोई कोयला की जमाखोरी कर रही है कोई प्याज की जमाखोरी कर रही है कोई कुछ कर करिए सब पहले सब चोर जब ज़्यादा चोरी कर ली ना ज़्यादा वो कर लिया तो सरकार गिर गई मोदी की सरकार आ गई मोदी की सरकार आई है अब इसने नया अध्यादेश ला दिया अब कुछ दिन में ये भी अपना पापड़ बेल के चली जाएगी इसका भी समय नज़दीक आ जाएगा जब किसान परेशान होगा किसान और जवान दो ही चीज़ तो हैं सीमा पर जो लड़ रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं हम ऐसे ही तो जाते हैं शहर का तो कोई आदमी लड़ाई लड़ने नहीं जाता किसान का ही बेटा जाता वहाँ भी जब किसान के पास मजबूरी होती है जब एक बेटा जवान वहाँ सीमा पर लड़ने के लिए भेजता है और एक बेटा किसान खेत में काम करने के लिए भेजता है उसमें भी उसको पेट के लिए रोटी नहीं मिलेगी तो और किसान करेगा क्या जी तो भाई तुम्हें अधिकार नहीं बनता क्या जनता से राय नहीं लेनी चाहिए आपको आप जनता से पूछ कहाँ रहे हो आप तो मन मर्जी करे जा रहे हो कोरोना काल जिसमें सब लोग इससे जो दूर डरे दुबके बैठे रहे सरकार भी कह रही है कि भाई घरों में रहो आप हमसे कह रहे हो घरों में रहो आप अपने काम करे जा रहे हो क्या मतलब भाई भाई जनता से पूछोगे नहीं उनके लिए बिल ले के आ रहे हो आप फिर आप कैसे हम कैसे विश्वास कर लें कि आप भला कर रहे हो चोरी चिपके क्यों कर रहे हो खुल के करो ना आप ढोल बजाते हो आपने नोटबंदी करी थी क्या हुआ कुछ नहीं हुआ ना नोटबंदी से जो आम आदमी तुम्हारा बड़े व्यापारियों का क्या नुकसान हुआ है सरकार को क्या नुकसान हुआ आप बताओ इससे तो आम आदमी मर रहा है ना इसमें भी यही हाल होगा अगर ये नहीं मानेंगे अगर ये अपने अपनी मन से करेंगे तो ये बिल्कुल आम जनता का नुकसान है केंद्र सरकार है वो वो इसे मतलब किसानों को उद्योगपतियों को गुलाम बनाना चाहती है तो क्या लगता है गुलाम बनाना चाहिए नहीं हम तो बस ये चाह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं किसान को इससे कोई नुकसान नहीं होगा ठीक है तो इसमें ही एक ये भी तो नियम बना देते हैं कि अगर किसान से कोई जो एम से कम पे खरीदेगा तो उसके लिए भी तो कोई दंड का प्रावधान हो इस बात को क्यों नहीं रख रहे अगर किस ये सरकार जो है किसानों का सही भी भला करना चाह रही है तो आप जो है इसमें ये भी रखो भाई चलो ठीक है जिसके पास पेन कार्ड है वो खरीद ले कितना ही खरीद ले लेकिन वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार की तरफ से घोषित उससे कम पे ना खरीदे अगर उससे कम से खरीदेगा तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान तो करे है सरकार अब ऐसा तो ये है ये स्टॉक कर करके और बाद में जो है इससे तो किसान का ही नहीं जनता का देखना क्या हाल होगा कि ये अपनी मन से फिर उसको रेट बढ़ा के बेचेंगी जो व्यापारी उसको जमा करेगा तो वो तो लाभ लेगा उसका और वो लाभ लेगा तो नुकसान सबका ही है किसान का ही थोड़ी है किसान का तो जो होगा है बाकी आम जनता का भी नुकसान हो सारी चीज़ें महंगी मिलेंगी जो किसान को तो कुछ लाभ मिलना नहीं और उल्टे जो है जनता को जो उसका नुकसान होगा उसे सारे महंगी खरीदनी पड़ेगी जो उपज होगी जी देखिए देश की अर्थव्यवस्था ये किसान की सांसें काटने वाला बिल है फसलें तो उसने बहुत काट लिया और गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी सांसें काटी जाए और ये कितना किसान समर्थक कि है ये तो आपने देख लिया किसान जैसे धरने पे उतरे हुए हैं और इतना प्रदर्शन कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर इस ने इस्तीफ़ा दे दिया वो खुद बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर कोई बात करने के लिए तैयारी नहीं है गवर्नमेंट अपना जो चाहती है वो पूरा करेगी और प्राइवेटाइजेशन का जो उसका मकसद है वो सब पूर्ण रूप से सक्सेसफुल करना चाहती है मेरे विचार से जो प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से किसानों से कह चुके हैं जो उनकी जो भी क्वेरी थी कि भाई एमएसपी पे उन्होंने कह दिया एमएसपी रहेगा मंडियाँ भी रहेंगी एज इट इज रहेगा सब कुछ केवल उन्हें एक अतिरिक्त सुविधा दी जा रही है कि कोई व्यक्ति अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं कोई भी व्यक्ति उनसे खरीद सकता है उन्हें जब अपना उचित लगेगा वो देंगे तो मेरे विचार से बिल एकदम सही है बहुत दिनों से इनकी मांग करी जा रही थी तो आप किसी भी कृषि विशेषज्ञ की राय देख लीजिए उठा के वो हमेशा इन चीज़ों पर कहते थे कि ये सुधार कृषि क्षेत्र में होने चाहिए और सरकार ने ये सुधार किए हैं मोदी जी इस मामले में बहुत ही वो रहते हैं कि वो सुधार जो होना चाहिए वो करते हैं जरूर सुधार जो भी चाहिए तो वो किसान लोग फिर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं सड़कों पर मेरे विचार से किसान भाइयों को जो थोड़ी समझने में उनका भ्रम की स्थिति बना दी गई है विपक्ष के द्वारा और मोदी जी इस पर स्पष्ट बोल चुके हैं अभी दो दिन पहले उन्होंने कहा है कि उनको दो ही उन पर दिक्कत आ रही थी कि एम और मंडियाँ उन्होंने वो इन दोनों चीज़ों पर स्पष्ट कह चुके हैं कि एम रहेगा और मंडियाँ भी रहेंगी कोई कहीं नहीं जा रहा उनको जहाँ पे उचित लगेगा वो वहाँ पे अपनी फसल बेच सक ये सब ये जुमलाबाजी बताएंगे ये किसान विरोधी सरकार है ये व्यापारी इनकी सरकार है अब से पहले पाँच साल पहले देख लीजिए पाँच सौ रुपये बिजली का बिल जाता था किसान का आज अट्ठारह सौ रुपये सत्रह सौ रुपये बिजली का बिल जा रहा है इतनी हर चीज़ में महंगाई कर दी है इन्होंने और उसके बाद में ये अब ये किसान को मतलब मरने पर आत्महत्या करने पर निर्भर कर रहा है क्या जो दूसरी पार्टी के अदर पार्टी के लोग हैं वो किसानों को भ्रम किसानों के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं भ्रम फैलाने की कोशिश किसान खुद जानता है मैं कहाँ जा रहा हूँ इनका तो काम है ये जो सरकार के अगर लगेगा खिलाफ़ बोल रहा है ना तो उसको ये, ये देशद्रोही बोलते हैं ये बोलते हैं सरकार के खिलाफ है ये इनको तो ये जो समझोगे इनके दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है अगर इनके कोई बात करता है ना सरकार और भी जो लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं विपक्ष पार्टी से समर्थन करेंगी वो भी तो किसान है उनमें सब व्यापारी थोड़ी हैं कोई कुछ लोग ही तो होते हैं चंद लोग हैं व्यापारी भी किसी भी पार्टी में होते हैं वो तुम्हारी पार्टी में भी हैं सभी में हैं वो अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है लेकिन इनको तो लगता है कि नहीं ये तो उसकी बात कर रहे हैं ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं ये बसपा की बात कर रहे हैं है, सपा की बात कर रहे हैं अरे भाई क्यों किसान है भाई किसान अपनी बात नहीं रखेगा कौन रखेगा वो भी तो हमारे समर्थन में आएंगे तो उसमें क्या दिक्कत है भाई समर्थन की बात तो कोई भी कर सकता है लेकिन ये सरकार ने ऐसा एक वो भ्रम लोगों में फैला रखा है कि लोगों को अगर डरा के धमका के इनको जो इस तरीके से रखो इनको ऐसे हिंदू मुस्लिम के उस पर बना के इनको रखो कि ये लोग बटे रहें और हमारी सरकार बनती रहे लेकिन ऐसा नहीं होगा अब किसान समझ चुका है समझदार है ऐसा नहीं है कि इनकी जो हमेशा ही चलती रहेगी जब किसान ने चाहा जब सरकार बदल दी है तो वो तो होगा ही ना उन्होंने ऐसा जाल बिछा रखा है ना लोगों को ऐसे बनाते हैं ना कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं उन्होंने एक मीडिया के थ्रू आप देखते हो हम मीडिया देख इसमें जो चैनल देख देख के थक चुके क्या चल रहा है रिया चल रही है सुशांत चल रहा है ये कोई नहीं दिखा था किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है उसका कंगना राना का मकान टूट गया अतिक्रमण कर रखा है तो टूट गया कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें लेकिन उसको ऐसे दिखाया जा रहा है जबकि उसको नहीं दिखाया इतना बड़ा वहाँ पिपली में हरियाणा में इतना बड़ा कांड हुआ किसानों के साथ इतनी मारपटाई हुई नहीं दिखाया किसी मीडिया ने चैनल नहीं दिखा रहे क्यों नहीं दिखा रहे कि उनको तो ये दिखाना है ना कि सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है सरकार के पक्ष में ही दिखाना है ना उनको वो उनके बिके हुए हैं या उन लोगों के खरीदे हुए हैं जो भी है लेकिन आम आदमी की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं आम जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है एम एस पी पर आप लिख के दो ना लिख के दो आप कानून बनाओ अकबाई एम एस पी से रेट पे नीचे नहीं कुछ नहीं बिकेगा अगर कुछ होगा तो इसका हम जो कानूनी कार्रवाई करेंगे हम इसको सजा देंगे अगर कोई आदमी इस तरीके से करेगा तो काला बाजी जो बढ़ेगी तो उसमें तो कहीं ना कहीं आपको कुछ रोक तो लगानी पड़ेगी नहीं तो आप अपनी मर्जी से तो ये कर रहे हो कर ही रहे हो आप तो तानाशाही दिखा रहे हो जनता ने जो आपको सोच समझ के वोट दिया आपने जो उनके साथ जो उल्टे सीधे काम कर रहे हो आप जनता से पूछ नहीं रहे हो लास्ट ईयर हमने जो है डब मंडी पड़ती है काला वाली वहाँ से तेल ख़रीदा था और हर महीने हम कम से कम 100 किलो तेल लेकर आते थे अस्सी बयासी पचासी पिछले साल यही रेट था अब का एक सौ जबकि कोरोना काल में डेढ़ दो महीने जनता जो बैंड अपने घरों में बैंड रही है उसके बावजूद भी 115, 120 का रेट कहाँ गया आज क्या किस लिए बढ़ा है तेल बताइए तेल का रेट सरसों का हमने उस मिल वाले से पूछा भैया कारण क्या है तो उसने बताया गवर्नमेंट ने जो है इसको स्टॉक कर लिया सरसों को अब जो बच रहा है क्योंकि इसका रेट अब डाउन नहीं होगा इसका रेट बढ़ना ही बढ़ना है तो ये तो गवर्नमेंट अपने मनमाजी का करेगी जी इनको तो अपनी मनमाजी करनी है मैं बताऊँ ये जनता का हित नहीं है इसमें मनवाजी करनी है इनको जो भी रेट निश्चित करेंगे चीज़ का वो आदमी को खानी पड़ेगी चाहे किसी भी रेट में खरीदो